हेलो जी, राधे राधे जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी ना अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7, 7:15 बजे का टाइम था। मैंने यहाँ पे अपना गर्म पानी ले लिया था 6:30 बजे, अपना ब्रश वगैरह करने के बाद। फिर मैं अभी चाय बना रही थी, तो अंकित भी सोया था और उसके पापा भी रूम में ही थे, तो मैं उनको चाय दे रही थी। तो चाय देने के बाद फिर मुझे भी थोड़ा काम वाम करना था, कपड़े वगैरह थे। आज बुधवार है, तो बुधवार को कपड़े भी होते हैं धोने को, मतलब हो ही जाते हैं। और फिर क्योंकि अब देखो ऐसा होता है ना कि मतलब काम तो चले ही रहते हैं घर के, लेकिन उनका भी ना एक टाइम बना, मतलब एक टाइम सेट करना पड़ता है काम का। क्योंकि फिर मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि 2-3 दिन से हमारा ना प्लान बन रहा था। मतलब जो अंशु है ना, तो अंशु का फ़ोन आया था, तो उसने बोला कि मतलब कटिंग जो है वो मैंने करवानी है, छोटे छोटे बाल करने हैं मैंने। तो क्योंकि उसकी कटिंग थोड़ी, मतलब ऐसे ही बाल थोड़े लंबे हो गए थे, तो वो कटिंग उसको अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर अंकित कहता कि ठीक है, तो हम क्योंकि इसने भी चले जाना है 2-3 दिन बाद, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम फिर मार्केट जाके उसके जो सैलून है वहाँ पे बाल बुल उसके कटवा के थोड़ा बहुत घूम फिर के फिर हम आ जाएंगे। तो फिर बस आज आज का प्लान बना था। तो अंशु कहती मम्मा आपने अगर आना होगा तो 2 बजे के बाद आना, क्योंकि 2 बजे तक तो उसकी क्लासेस होती हैं। तो क्लास होने के बाद उनको लंच ब्रेक होता है, तो उसके बाद फिर 2 बजे के बाद मतलब 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, फिर जो है वो डाउट सेशन लगता है उनका। तो उसने कहा कि मैं डाउट सेशन नहीं लगाऊंगी, तो मतलब क्लासेस के बाद मैं सीधे ही आपके साथ चल पड़ूंगी। तो आप मुझे, मतलब उसने जगह बता दी थी कि कहाँ पे आना है, तो वहाँ पे फिर हमने जाना था। तो फटाफट फिर मेरा नाश्ता भी हुआ, मतलब मैंने शेक वगैरह लिया और बेटे ने भी अपना खाना खाया। उनको वो चले गए हैं, मतलब अपने वहाँ डेली का ही काम है उनका, तो जाने का एक संडे को छोड़ के। तो फिर उनको भी खाना वाना देने के बाद, हम दोनों ने करने के बाद फिर हम आ गए थे छत पे, क्योंकि साथ साथ में सुबह ही मैंने कपड़े डाल दिए थे धोने। तो अभी धूप भी देखो कितनी अच्छी थी, तो यहाँ पे मैं कपड़े भी डाल रही थी और बेटा जो था वो भी, मतलब अंकित भी साथ साथ में ही लगा हुआ था, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ। तो मैक्स को भी अच्छी धूप आ रही थी, इसका भी मंजा लगा दिया हमने। तो बस फिर ये था, क्योंकि ये कपड़े ना इधर से उधर करने पड़ते हैं धूप में, तो मतलब पहले जहाँ डाले थे पिछली साइड, तो वहाँ पे यहाँ पे देखो ये बेटा लगा हुआ था मेरे से शरारत करने। मैं इसको डांट रही थी, मैंने कहा तो थोड़ा सा ना सुधर जा, मतलब आपको पता ही है कि जो हमारी फॉर्मेलिटी होती है मदर की, हमें तो बोलना होता है इनको बार 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 बार, क्योंकि चलो पूरी की पूरी बातें इनके दिमाग में नहीं आए, लेकिन कम से कम इनके 10-20% तो इनके दिमाग में आएंगी जब हम बोलते रहेंगे। तो बस यही समझा रही थी मैं इसको कि तू जहाँ, मतलब चंडीगढ़ में है, ये भी बीटेक कर रहा है आईटी में, तो इसने डिप्लोमा किया है आईटी में 3 साल का, उसके बाद ये लगा है बीटेक करने आईटी में चंडीगढ़। तो बस यही समझा रही थी मैं इसको कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है। तो ये बोल रहा था कि मम्मा मुझे पता है रहते हैं, तो मैं फिर नहीं तेरे को नहीं पता, हमने ज़िंदगी देखी है, हमने ये वो, तो इस तरह से समझा रही थी मैं। फिर ये भी मतलब ऐसे ही लगा हुआ था। तो फिर उसके बाद हमने भी खाना खुना खा के फिर मैं आ गई बाज़ार। फिर यहाँ पे एक अच्छा है, बहुत अच्छा सा सैलून है, तो यहाँ पे हम आए थे। तो मैं और अंशु पहले भी आए थे, अंकित भी आया था हमारे साथ, हम तीनों पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो हमें जो है ना इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी थी पहले भी, तो अभी हमने, अंशु कहते हैं कि मम्मा उधर ही चलना है, तो हम फिर आए तो वहाँ पे कटिंग लगी थी करवाने। तो अच्छा है मतलब ये सैलून, तो इनका जो मतलब बोलने का, बातचीत करने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है क्लाइंट के साथ है, और ये सर्विस भी बहुत अच्छी देते हैं। तो मतलब इनका काम भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से चलो जो हमारे साथ अच्छा, मतलब हमें अच्छी ट्रीट करेगा, तो हम उनके साथ, उनके पास मतलब बार बार बात करेंगे, उनके पास जाएंगे। तो यही होता है मतलब,
जहाँ हमें अच्छा लगे हम बार बार वहीं पे जाते हैं। तो इस तरह से फिर देखो ये अंशु के बाल इतने थे, तो फिर ये अभी ये जो हैं ये भैया काट रहे हैं, तो ये पूछ रहे थे कि कैसी काटनी है इसको, तो ये बता रही थी कि आगे से ज़्यादा छोटी मत करना, पर मैं कह रही थी कि नहीं जो कटिंग है जो प्रॉपर कटिंग है उस तरह से काटो आप। तो ये बता रही थी इनको कि मुझे जो है वो वुल्फ कटिंग कौन सी होती है वो मुझे नहीं पता, जब कटिंग हुई तब लगा पता कि इस तरह की होती है। तो यहाँ पे मैं भी इसके मतलब पीछे बैठी थी, मैं बता रही थी कि मतलब यहाँ से छोटे कर दो, यहाँ से थोड़े ये कर दो, पर ये कहते कि आगे से छोटे नहीं करने हैं, मुंह पे पड़ते हैं। मैंने कहा जो कटिंग है वो तो जैसी होनी है वो वैसे ही होनी है। तो इस तरह से फिर ये बस मतलब लगे हुए थे काटने। तो देखो यही होता है कि जब हम मतलब हमारा जब टाइम होता था तो हमें तो चलो हमारा टाइम कुछ और था, बच्चों का टाइम कुछ और है। तो इस तरह से जो है वो अब के बच्चे जो है ना ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो इनको भी मतलब पता होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता, तो हमें भी इनसे ही सीखने को मिलती हैं। तो इस तरह से फिर हमारा ये काम हो गया, आज तो पूरा दिन यहाँ सैलून में हो गया। तो अंकित भी कह रहा था कि मुझे भी थोड़ा करवाना था बालों को सेट वेट, पता नहीं इसने क्या करवाना था। तो मैंने कहा तो बाद में देखना, अब टाइम ज़्यादा हो गया था यहाँ पे, हमें हो गए थे 4:30 तक। तो अभी ये बोल रहे थे कि हमें जो है वो खाना पीना भी है कुछ। मैंने कहा आप उल्टा सीधा खाते हो तो कुछ और खा लो, बढ़िया सा खा लो। नहीं जी हमें तो वही इनका पता नहीं मोमो चाउमीन वही खाने होते हैं इन्होंने, तो बस ये फिर आगे आगे चले हुए थे दोनों। तो फिर जी करती हूँ मैं ब्लॉग का अंत यहीं से, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।